आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी को भा जाने वाले नारियल पंचमेवा पाक, जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं फ्रेंड्स, झटपट तैयार हो जाते हैं ये मिठाई। प्लीज आप इस रेसिपी को एंड तक देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। पंचमेवा पाक बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूखे ग्रेट किए हुए नारियल, एक कटोरी मखाना, आधा कटोरी किशमिश, आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी काजू, डेढ़ कटोरी शक्कर, थोड़ा सा मगज, आधा कटोरी घी, एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे, इसमें डालेंगे घी। घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे काजू, थोड़ा इसे फ्राई कर लेंगे। हमें सारे ड्राई फ्रूट को सिर्फ 25 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो गए, हम इसे निकाल लेते हैं। हम सेम कढ़ाई में डाल देंगे बादाम, इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश, इसे भी फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा किशमिश फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मखाना और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को थोड़ा फ्राई करने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है घी में। अब इसमें हम डाल देंगे मगज। मगज डालते टाइम आप ध्यान रखें कि आप एक ढक्कन हाथ में रखें और इसे डालते ही आप इसे ढक के फ्राई करें इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ही उड़ते हैं, हमारे शरीर पर पड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स आप। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल ग्रेट किया हुआ और इसके साथ ही थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए हमने सबको फ्राई कर लिया है। ड्राई फ्रूट में से हमें मखाना, काजू, बादाम को थोड़ा तोड़ लेंगे। मैंने इसे तोड़ने के लिए चकला बेलन का यूज किया है, आप चाहें तो इसे खलबट्टा में भी तोड़ सकते हैं। इन्हें सिर्फ बड़े साइज में तोड़ना है, चूर चूर नहीं करना है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम सभी मखाना, काजू, बादाम को तोड़ लेंगे। अब हम एक ट्रे में थोड़ा घी ग्रीस कर देंगे जिसमें हमें पाक को डालना है। आप इस तरीके से ट्रे यूज कर सकते हैं या थाली या कोई प्लेट भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे डेढ़ कटोरी शक्कर। डेढ़ कटोरी शक्कर में हम एक कटोरी डालेंगे पानी। इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में एक तार वाली चाशनी बना लेंगे। देखिए हमारा चाशनी बन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा चाशनी भी एक तार वाली बन गए हैं, फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। इसमें से थोड़ा चाशनी लेंगे, सावधानी से, ये गर्म है, हम इस तरह से चेक कर लेंगे। हमारी चाशनी तैयार है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट को डाल देंगे इसमें, हमने घी में जो फ्राई किया था, और सारे मखाना, बादाम, काजू को बड़े साइज में तोड़ लिया है हमने। देखिए इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमें इन्हें ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा गीला ही रखना है। ज़्यादा ड्राई करेंगे तो इसमें टेस्ट नहीं आएंगे। इसे कुछ सेकेंड के लिए हमें पकाना है हाई फ्लेम में। देखिए पाक हमारा रेडी हो गए हैं जमने के लिए। अब हम ग्रीस किए हुए ट्रे में इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं इस तरीके से इसे डाल रही हूँ। इसे गर्म ही डाल देना है इसमें। मैं इस तरीके से इसे सेट कर लूंगी। देखिए आप भी इस तरीके से आप इसे सेट करें।
देखिए हमने सेट कर दिया इसे, अब इसमें हम कट लगा देंगे फ्रेंड्स। हमें इसमें गर्म में ही कट करना है, सूखने के बाद अगर आप इसमें कट लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए आप इसे गर्म में ही कट करें। देखिए इस तरीके से आप काट लें। अब इसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने दें। 2 hours later. ये 2 घंटे हो गए हैं, आइए अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसे निकाल लें, ऐसे हम सबको निकाल लेंगे। हमने इसे प्लेटिंग कर लिया है, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा नारियल पचमेवा पार्क। कितना आसान है इसे बनाने में, आप इसे जरूर से ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।